आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी भी वेबसाइट की पेज लोड स्पीड देख सकते हैं, कि वेबसाइट कैसी परफॉर्म कर रही है, कहां कहां से कितनी ट्रैफिक है, मतलब उसकी पेज लोड टाइम कितनी है, कितने सेकंड में वो लोड हो जाती है। देखिए, ये काफ़ी ज़रूरी होता है वेबसाइट की पेज लोड का अच्छा होना। ये अगर आपका पेज लोड अच्छा होगा तो वेबसाइट को गूगल ज़्यादा रैंक करेगा, क्योंकि ये होता है कि अगर वेबसाइट रैंक कर रही है और किसी ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया और 10 सेकंड 20 सेकंड वो लेट होता है खुलने में, तो गूगल को ये निगेटिव यहाँ पे जाता है डायरेक्शन और उस वेबसाइट की सर्च रैंकिंग में काफ़ी असर होता है। तो पेज लोड टाइम को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, पेज लोड स्पीड को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की पेज लोड स्पीड चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये GT Matrix की वेबसाइट है, GTMatrix.com। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे URL डालने का अवसर मिल जाएगा। URL डालिए, टेस्ट योर साइट पे क्लिक करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। GTMatrix.com इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको पेज स्पीड दिखा दिया जाएगा, कितना लोड टाइम आपको आपकी वेबसाइट का है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे URL पेस्ट करता हूँ, टेस्ट योर साइट पे क्लिक करता हूँ, ये कुछ देर स्कैन करेगा और 1 से 2 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे देख रहे हैं स्कैन हो रहा है और यहाँ पे 1 मिनट तक स्कैन होता है, फिर आपको तुरंत यहाँ पे बता दिया जाता है पेज लोड टाइम। तो बस ये स्कैन होने वाला है हमारा ईबुक बाजार का, जो यहाँ पे फोटो भी आ चुका है वेबसाइट का। ईबुक बाजार एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप ईबुक डाउनलोड कर सकते हैं विथ रीसेल राइट। डाउनलोड करने के बाद ईबुक आपकी हो जाती है, आप उसे सेल भी कर सकते हैं। तो ईबुक बाजार को चेकआउट करिएगा। पॉइंट पे आते हैं, ये स्कैन हो चुका है और अभी लेटेस्ट परफॉर्मेंस हमारे पास है 43% की परफॉर्मेंस है, जो कि काफ़ी अच्छी नहीं है, रेड में है। तो स्ट्रक्चर 90% है। बाकी पेज लोड टाइम जो मेन है वो देखिए 5.2 सेकंड, मतलब 5 सेकंड की पेज लोड टाइम यहाँ पे है, जो काफ़ी बकवास है, मुझे इसे मैनेज करनी होगी। नीचे क्लिक करेंगे तो आपको टॉप इशूज़ मिल जाएंगे, जितने भी इशूज़ हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएंगे, उन्हें देख के आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। GT Matrix वेबसाइट का नाम है, इसे यूज करेंगे प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरी वेबसाइट पे ले चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं पेज लोड स्पीड के बारे में। तो ये है गूगल का पेज लोड स्पीड इनसाइट्स। तो यहाँ पे भी आप URL पेस्ट करेंगे तो ये 100% स्कैन होने के बाद आपको सारी डिटेल 1x1 स्कोर बता देगा कि कितना स्कोर आपका वेबसाइट का है, स्पीड का स्कोर कितना है। तो जस्ट यहाँ पे लिंक यहाँ पे इंटर करिए और एनालाइज पे क्लिक करिए, रिजल्ट देखिए। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से खोलिए और फिर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसा कि मैंने एनालाइज पे क्लिक कर दिया है, ये रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पे मुझे स्कोर मिल गया है 28 का। ये काफ़ी बुरा स्कोर है। तो इस तरीके से आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या कमी है आपकी वेबसाइट में, जो रेड का सिग्नल है वो बता रहा है कि क्या कमी है, उसे फिक्स करिए। यहाँ पे ये जो स्कोर है वो 2 फॉर्मेट में दिखाता है, एक डेस्कटॉप है, एक मोबाइल है। तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं डेस्कटॉप में कितना है, 41 स्कोर है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट करिए, अपनी वेबसाइट की स्पीड मापिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है स्पीड देखना परफॉर्मेंस के लिए। धन्यवाद।